हैं तो हम कि हम देखें ध्यान स्कूल क्या वर्क कर रहा है, तो वो एक सवाल ये है। दूसरा, अगर कोई पूछे कि आपकी साइड नहीं चल रही हो और इसके अंदर कुछ चीज़ मुश्किल हो रही हो, अपने सिनेरियो बता रहे हैं। कि हमने चेक करा और वो साइड आपकी नहीं चल रही और वो चीज़ नहीं खुल रही हो, तो वो भी बता दीजिए। बाकी जो डीवीडी से मिलती हैं, जहाँ मिलती हैं, जो ब्रोशर्स हैं, वो तो हम अवेलेबल कर देंगे जहाँ पर भी। बस ये दो छोटे सवाल हैं। आपके क्या सवाल कॉलिंग आती हैं, आपने अटेंड किए हैं, बताएं क्या सवाल है। सो ये तो पहला सवाल कॉमन होता है। यार स्कूल देखा था हमने फेसबुक पे कि कहाँ पे हम देखना चाहते हैं, उसका जवाब बिल्कुल देख सकते हैं। विजिट करें dancecool.com, dancecool क्या है, आप वीडियोस डाउनलोड करें, मोबाइल फोन डाउनलोड करें। दूसरा सवाल है किस किस्म की वीडियोज़ हैं, कहाँ चल सकती हैं। तो भाई वो पीसी के हिसाब से भी आप कंप्यूटर पर डाल के डाउनलोड करके उस पर देख सकते हैं। मोबाइल फोन में डालना चाहते हैं तो 3 GB वर्जन भी मौजूद है। वो फिर सवाल आता है कि वीडियोज़ कहाँ हैं कैसे, तो dancecool.com/acad पे जाएँ, वहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। फिर आता है कि नॉर्मली आता है कि कहाँ से डाउनलोड करें, ये सब चाह रहा था अभी विजिट करना। बस यही है। आपको कोई और सवाल है, और कोई कॉल नहीं आती। और भी आती है लेकिन मेजर मेजर तो अभी दिमाग में ही आई है। आपकी जहाँ मार्केट में दुकान थी, उसमें कोई ऐसा बंदा है जो गारंटीड 50 रुपये लेके मोबाइल पे डाल दे, वीडियो कॉपी कर दे? ₹50 में तो नहीं डालेगा बस, क्योंकि वो 100 रुपये कौन, डालेगा। हाँ मेरे ख्याल से ₹100 में डाल देगा तो आप उसको महीने का। राजी कर लें और उसका नंबर दे दें। दूसरा, आप ₹100, आप उसको कहें जी मैं आपके पास आ जाऊंगा और फिर ₹200 चार्ज करूंगा, आपके मोबाइल पे डाल दूंगा। अगर आप कहेंगे सेकंड हम मोबाइल बेचते हैं और ₹1950 हो, उस मोबाइल की 1 साल की गारंटी होती है और अपना मोबाइल होता है, आपको रसीद देंगे, आपको 1 साल तक अगर ख़राब हो जाएगा तो उसकी गारंटी होगी, वो आपको चेंज कर देंगे। बैटरी की गारंटी होती है? बैटरी बैटरी की नहीं होती, की गारंटी और किसकी होती है? बस वो सेट की होती है। मशीन की होती है। तो आप वो किसी मुझे ये मैं आपको गारंटी दे दूँगा और आपको चेंज कर दूँगा। दुकान आप मुझे चाहें तो एक खोल दें उसी बाज़ार में। ₹5,000 किराया था ना अभी भी? पहले तो था, नहीं है अब ज़्यादा हुआ, छः हो गया हो, नहीं 10,000 से ऊपर। 10,000 से भी ऊपर हो गया। लेकिन एक आपकी बात काट के एक बात है कि बजाय हम एक जगह रखें, मैं 4 जगह दे देता हूँ, क्योंकि लोग कोई कहीं और से आएगा तो उसके लिए जो वो प्लेस करी हुई, जैसे हमारे पास सरीना है ऑर्डर पम्प के आगे, हमारा एफ बी है जैसे सरजानी में, तो वहाँ के जितने भी छोटे लोग वहाँ पर इलाके हैं, वो वहाँ पर सरजानी में वहाँ पर आ जाएँ और वहाँ डलवा दें। सदर वाले एरियाज़ के जैसे ठीक और, तो 4 स्पॉट दे दूँगा मैं आपको। है, तो आप उनको वो नंबर दे देंगे, आप कहाँ से बोल रहे हैं, इस इलाके में ये जगह, यहाँ से आ कर डलवा लें। ठीक है, उनको नंबर दे देंगे। और क्या सवाल है? तो हम बजाय उसको ₹100 देने के, हम उसको मंथली हम उसको चार्ज कर सकते हैं कि हम 3,000 रुपये या महीना देंगे आपको, जितने भी कस्टमर हैं भर दीजिए हम आप, तो कुछ आप नहीं दे उनसे। सकते, जो खरीद रहे वही थे अपने पास से पैसे, हम क्यों देंगे पैसे? हमें कितने नफलों का सवाब मिलेगा 3,000 रुपये? वो 3,000 से जो है ना वो बाउंड हो जाएगा उस चीज़ से ना, वो भागेगा नहीं, वरना आप कोई भी कस्टमर वहाँ जाता है वो दुकान पे मौजूद नहीं होगा, वो कहेगा लाइट नहीं है, 10 चीज़ें, वो कहीं से भी करके अपने मोबाइल से कॉपी करके देगा, वो फिक्स हो तीन हज़ार जाएगा। रुपये में भी नहीं करेगा, वो ₹100 में भी करेगा, करने वाला क्या है? नहीं करेगा तो बताएगा ना, तो फिर कंप्लेन करेगा भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हल निकालेंगे। भाग कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ भाग के जा रहे हैं? अगर वो नहीं करके दे रहा तो बराबर है, दुकान से करा लो कोई ऐसी चीज़। तो माधुरी का गाना है, कहीं से भी डलवा लो, उसमें एक आदमी का तो नहीं है, शुरू में प्रॉब्लम आएगी शुरू में, क्योंकि ये दुकान पे नहीं है। किस दुकान पे नहीं है आप उस दुकान का नंबर दे दीजिए, उस दुकान वालों को कहें कि सीडी बैंक वालों से जाके डीवीडी ले लें। हमसे तो डीवीडी भी नहीं लेनी है, हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अगर इन्वॉल्व करेंगे तो क्या नुकसान होगा मुझे? इन्वॉल्व करेंगे किसी को अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे तो नुकसान क्या होगा तो बर्डन हम और क्रिएट कर रहे हैं, और ऑपरेशन में भी उसका, उनका उसका नुकसान क्या होगा? पूरा ब्रांड नेम खराब होगा। नुकसान ये होगा कि आप स्केल नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते। ये नुकसान नहीं होगा कि बर्डन तो स्वाद नहीं रख लें आप, लेकिन स्केल नहीं कर सकते। जब आप हर चीज़ खुद करने की कोशिश करते हैं तो
तो आप स्केल नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि जी इस पूरे इदारे को मैं खुद अकेले चला लूँगा, तो मैं चला तो लूँगा लेकिन मैं कितना काम करूँगा। फर्ज करो कि आप 10% वो काम करते हैं जो कि मैं करता हूँ, या कि 50% वो काम करते हैं, तो 100% में आप फर्ज करें तमीज़ुद्दीन कोट बेच रहे हैं, कोट बेचने में तमीज़ुद्दीन दिन के 100 कोट बेचेंगे, ठीक है। और लेकिन आरएफ को रख लिया नौकरी पे 10,000 रुपये की, तो आरएफ कहेगा भाई मेरे बाप की दुकान थोड़ी है, मैं क्यों बेचूँ, चलो 50 बेच दी, बड़े तीर मार लिया। यही होता है ना, हाँ बोलिए, यही दिमाग में आता है ना आपके, 50 बेचे तो 4 आरएफ रखे तो कितने हो गए कोट, 200, 10 आरएफ रखे तो कितने कोट हो गए, 500 कोट हो गए, 10 आरएफ रखने पर तनख्वाह क्या होगी 10,000 रुपये से, 5 लाख, तुम सुन रहे हो, 1 लाख रुपए। तमीज़ुद्दीन की तनख्वाह क्या है, तमीज़ुद्दीन की तनख्वाह क्या, आपके ख्याल में आपकी कोट की दुकान है, आपकी अपनी वैल्यू आप क्या लगा रहे हैं, क्या वैल्यू आपकी, 30,000 लगा रहे हैं, 30,000 लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो आपको अपनी वैल्यू 1,00,000 रुपये लगानी चाहिए, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक दुकान पर 10 रख के 500 कोट बेच लिया और आप अकेले 100 बेच रहे थे, तो नुकसान है फायदा है कि वो खराब काम कर रहा है, आप तो नहीं कर रहा लेकिन एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना वो आपके आप उसको, अगर वो कस्टमर को बदतमीजी करेगा तो आप तो निकाल देंगे, कस्टमर से बदतमीजी तो नहीं कर रहा, वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, भाई ये कोट है इतने का, इसको ये बताना है इतने का देना, बदतमीजी कोई भी करेगा आप निकाल देंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट फिर भी 10 आदमी रखने में नुकसान हुआ, फायदे हुए, फायदा हुआ, ठीक है। अब तमीज़ुद्दीन की दुकान एक चल गई और तमीज़ुद्दीन का एक और दुकान खुल ली, वहाँ में 10 आदमी रख दिए, तो कितने कोट हो गए उसके, 500 एक दुकान से भेज रहा था, दूसरी दुकान से कितने हुए, 1,000 कोट हो गए। तो क्या आरएफ वो काम कर सकता था, आप तमीज़ुद्दीन का काम क्या हुआ, तमीज़ुद्दीन का काम हुआ एज एन एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, काम करना नहीं है काम, एक एंटरप्रेन्योर का काम एक अलग होता है, उसका काम काम कराना होता है, काम करना नहीं होता। उन 10 में से एक आदमी को कहा दी भाई 10,000 वाले 9 बच्चे 1,000 20,000 वाले एक रख दी, हाँ भाई बेटा तुम्हारा काम इन सबसे काम कराना है, खुद नहीं करना, क्यों, कल आपको जब 100 दुकान बल तो एम्बिशन बढ़ाना चाहिए, एम्बिशन ही अगर छोटा है तो क्या, कल अगर आपको 4 दुकानें और खोलनी है तो आपके पास आदमी चाहिए होंगे ना, मैनेजर, उन 9 में से एक मैनेजर बन जाएगा, वो जो मैनेजर है वो बड़ी अगली दुकान खोलने में मदद करेगा। अगर आपको 1,000 दुकानें खोलनी तो आपको कितने आदमी चाहिए, खोलने वाले वाले कितने चाहिए, वो एम्बिशन से बड़ा इसलिए नहीं है ना कि अभी तो पता ही नहीं है कि वो 10 ये 10 बेच भी रहा है नहीं बेच रहा, जब 4 या 3 महीने बाद 2 महीने बाद ये बताता है कि हाँ मैंने 10 बेच, क्यों बताएगा, आज के ज़माने में तो ये शाम को बटन दबाएगा पटक 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 पता चल गया कितने बिके, या नहीं दूध वाले को ये नहीं पता होता कि आज मैं 30 मन दूध बेचूंगा या 20 मन बेचूंगा, एवरेज तो आएगा ना तमीज, हाँ या नहीं आएगा, तुम्हारी दुकान एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज पे तो बिजनेस होता है, एवरेज आ जाएगा कंफर्म, बिजनेस तो कंफर्म पे नहीं होता, बिजनेस एवरेज पे होता है, कंफर्म किसको मालूम, कल बम फट जाएगा तो क्या कर लोगे, सही बात, मर जाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा तो क्या कर लोगे, एवरेज क्या आएगा, चांसेस क्या है, चांसेस तो आगे ग्रो के हैं बढ़ेगा, तो हम उस पर बिजनेस करते हैं ना, इस पर बिजनेस थोड़ी, बिजनेस इस पर नहीं होता, एम्बिशन गोल होता है, बड़ा गोल होगा, अब आपके पास गोल ही नहीं है तो आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं, ये नहीं है कि आपने एक दिन में 10 दुकानें खोली, लेकिन प्लान तो उस हिसाब से चलते ना भाई, मैंने 9 आदमी इसलिए रखे हैं जाके मैं उसमें से 2 मैनेजर निकालूंगा 8 लेबर निकालूंगा कुछ इस तरह के, हर डिज़ाइन के लोग होते हैं, कोई आदमी बनना ही नहीं चाहता मैनेजर, कहता है नहीं भाई मैं ऐसे ठीक हूँ, एहसान जो है वो ड्राइवर कहते भाई मुझे नहीं बनना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, बस मुझे इससे ज़्यादा तनख्वाह ही नहीं चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक आदमी ने कह दिया मुझे चाहिए नहीं है तो वो कैश हासिल ही नहीं कर सकता, सो तुम कहो जी मुझे तो एक दुकान ज़्यादा खोलनी नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए 8 आदमी रखना बेकार है, ऑब्स्टिकल तो हम खुद हैं, अगर हम खुद ही ऑब्स्टिकल बन रहे हैं तो ऑब्स्टिकल सबसे पहले तो अपने आप में अंदर से ऑब्स्टिकल निकालने, जी अस्सलाम वालेकुम।